हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ दैट इज़ टोटोमेरिज़म टोटोमेरिज्म में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है पर फिर भी इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट कीटो इन ऑल टोटोमेरिज्म विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अब पहले देख लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म होती क्या है टोटोमेरिज्म एक तरीके की आइसोमेरिज्म ही होती है ये हमें ध्यान रखना है कि दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो थोड़े से चेंज रहते हैं दो आइसोमर्स के बीच में तो इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज़ दैट कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है वो हमेशा दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस कंपाउंड में दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं एंड दीज टू आइसोमेरिक फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल ये इंटरकनवर्टेबल फॉर्म्स होते हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं ये दोनों के दोनों आइसोमेरिक फॉर्म्स तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम दो टोटोमर्स के बीच में एग्जिस्टेंस शो करते हैं तो हमेशा इस तरीके की एरो से शो करते हैं जिसमें यह बताता है कि इक्विलिब्रियम में है और इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट अभी हमने बात करी कि ये कंपाउंड दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आइसो मर्स ना बोलकर हम इन्हें टोटोमर्स बोलेंगे सो वॉट आर दीज दीज आर कॉल्ड टोटोमर्स तो आपने ये ध्यान रखना है कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं विच हैव कंसिडरेबली डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अब चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ दैट इज कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म अब कीटो इनोल टोटोमरिज्म ये जो वर्ड है ये कीटो और इनोल फॉर्म के जो टोटोमर्स होते हैं उससे निकला है और उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कीटो इनॉल टोटो रिज्म तो कीटो इनोल्टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो दोनों आइसोमर्स हैं ये टू आइसोमर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं कीटो फॉर्म में और इनोलिक फॉर्म में और ये जो डिफर करते हैं ये दोनों फॉर्म्स ये जस्ट दे डिफर इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ़ हाइड्रोजन तो देख लेते हैं कि ये कैसे डिफर करते हैं हाउ एवर दीज टू फॉर्म्स आर इंटरकनवर्टेबल एंड आर इन डायनमिक इक्वलीब्रियम विद ईच अदर तो पहले देख लेते हैं कि ये कैसे रिप्रजेंट करेंगे हम इन जनरल तो अभी पहले हम कीटो फॉर्म लिख लेते हैं कीटो फॉम होता है सी एच सी डबल बॉन्ड ओ तो यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कीटो फॉर्म तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको एज कीटो फॉर्म और जो इसका इनोल फॉर्म होगा वो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एक इन बॉन्ड लगेगा दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लगेगा और साथ में ओल ग्रुप लगेगा दैट इज ओ एच ग्रुप लगता है तो इसीलिए इसका नाम बन जाता है इनोल फॉर्म तो इस तरीके से हम कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये डायनमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं और इंटरकन्वर्टेबल होते हैं इसीलिए हम इन्हें दो हाफ एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं अब ये जो कीटो फॉर्म है अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हम इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे दिस इज़ वन दिस इज़ टू एंड थ्री एंड सिमिलरली मैं इनोल फॉर्म को भी नंबर कर सकती हूँ यहाँ से दिस इज़ वन दिस इज़ सेकंड नंबर एंड दिस इज़ थर्ड नंबर तो अब आप यहाँ देखिए जो यहाँ पर जो अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन है इस पॉइंट पर ही डिफरेंस हो रहा है अदरवाइज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है तो इसीलिए लिए यहां पर जो माइग्रेशन हो रही है हाइड्रोजन की वो वन थ्री माइग्रेशन है तो हम यहां पर लिख सकते हैं द माइग्रेशन ओवर हेयर इज वन थ्री माइग्रेशन तो इसीलिए ये जो वन थ्री माइग्रेशन है इसके वजह से इस फिन को हम प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं तो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हेयर प्रोटो तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है वॉट इज प्रोटोट्रॉपी प्रोटोट्रॉपी टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन एंड इनोल फॉर्म तो ये चीज आपने याद रखनी है तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि किटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या है अब एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ही ज्यादातर ये टोटोमेरिज्म करती है तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने हमेशा याद रखने हैं इन कीटो इज दैट कि ये नॉर्मली एग्जिबिट होता है इन कार्बोनाइल तो जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें ज़्यादातर ये वाली एग्जिस्ट करती है और दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ एक या एक से ज्यादा या तो मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होगा जो मिथिलीन ग्रुप है उसका फॉर्मूला ये होता है या मीथिन ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज सी एच तो इन दोनों पॉइंट्स का आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म स्टडी करेंगे तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ अबाउट कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसमें हम इन एग्जाम्पल्स में कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों देखेंगे पहले हम देख लेते हैं अबाउट मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स अब यहां पर हम सिंपल मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स काबुनाइल कंपाउंड्स स्टडी करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं अबाउट एसिटेलडीहाइट अब एसिटलडीहाइड एक बहुत सिंपल मोनो कंपाउंड है एसिटेलडीहाइट का स्ट्रक्चर होता है सी एच थ्री सी एच ओ पहले इसको हम कीटो फॉर्म में लिख लेते हैं कीटो फॉर्म में जो एसिटलडीहाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच तो यहाँ पर यह कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये फ्लैंक्ड है बाय द मिथाइलिन ग्रुप तो इसीलिए ये एक कीटो फॉर्म है और जब मैं इसको इनोल फॉर्म में लिखूंगी तो इनोल फॉर्म एक इन बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक ओ एच ग्रुप आ जाएगा सो आई कैन राइट इट ओवर हेयर सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ एच एंड ओवर हेयर एच तो अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन देखती हूँ कि कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है तो ये तकरीबन मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ये अबाउट हंड्रेड परसेंट हमें इसकी यील्ड ऑप्टेन होती है फ्रेंड्स ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने अमाउंट में ये ऑप्टेन होता है पर यहाँ पर जस्ट टू मैंशन कि मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेट करता है उसको देखने के लिए हम जस्ट ये फिगर यहाँ पर लिख रहे हैं और ये जो इनोल फॉर्म है ये सिर्फ सिर्फ हमें ट्रेसेस में ही ऑप्टेन होता है तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज एसीटोन पहले हमने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया अब हम बात कर लेते हैं एसीटोन की अब एसीटोन का जो कीटो फॉर्म होता है दैट इज सी एच थ्री डबल बॉन्ड O सी एच थ्री अब यहाँ पर जो कार्बनाइल ग्रुप है उसके वजह से ये कीटो फॉर्म है और अगर मैं इसको इनोल फॉर्म में लिखती हूँ इन डायनमिक इक्विलिब्रियम आई कैन राइट इट लाइक दिस लाइक दिस डबल बॉन्ड एंड ओ एच ग्रुप सो दिस इज द इनोल फॉर्म और अगर हम देखें कि कितने अमाउंट में ऑप्टेन होता है तो ये जो कीटो फॉर्म है इट इज़ ऑप्टेंड अबाउट मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट एंड इट इज़ ऑप्टेंड दिस इनोल फॉर्म इज ऑप्टेंड इन ओनली टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पा माइनस वन परसेंट तो देखिए कितने कम अमाउंट में हमें इनोल फॉर्म ऑप्टेन हो रहा है इन केस ऑफ मोनोकार्बनाइल कंपाउंड अभी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे कि ये क्यों इतने कम अमाउंट में ऑप्टेन होता है तो चलिए एक और कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड स्टडी कर लेते हैं दैट इज साइक्लोहेक्सिनोन साइक्लोहेक्सिनोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जो तो मैं यहाँ पर साइक्लो का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ दिस इज द कीटो फॉर्म सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है सो दिस इज द कीटो फॉर्म ऑफ साइक्लो अब इसको मैं इनोल फॉर्म में लिख लेती हूँ तो इनोल फॉर्म में क्या होगा एक इन बॉन्ड आ जाएगा दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ओ एच ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर सो दिस इज द इनोल फॉर्म ऑफ साइक्लो अब इसको देख लेते हैं कि कितने अमाउंट में ये ऑप्टेन हो रहा है सो द कीटो फॉर्म इज ऑप्टेंड इन नाइनटी 8.8% परसेंट और जो इनोल फॉर्म है वो ऑप्टेन होता है बहुत कम अमाउंट में दैट इज 1.2% परसेंट ओनली तो अब यहां पर जो मेन रीजन है कि जो कीटोफॉर्म प्री डोमिनेट कर रहा है वो ये है कि जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द इनोल फॉर्म इन केस ऑफ मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड मोनोकार्बोनाइल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है हर केस में तो यहां पर जो मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो कार्बन ऑक्सीजन का ये जो पाए बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू the pi bond between the carbon कार्बन तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉन्ड तो इसके वजह से जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और हर केस में जो कीटो फॉर्म की जो हमें ऑप्टेन हो रहा है अमाउंट वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द इनोल फॉर्म आई होप दैट इट इज़ क्लियर कि यहाँ पर कीटो फॉर्म क्यों ऑप्टेन हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें दो कार्बोनाइल उंडल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोल सकते हैं एज वन थ्री डाय कार्बोनाइल कंपाउंड सो आई जस्ट राइट इट ऑवर हेअर एज वन थ्री डाय कार्बोनाइल कंपाउंड तो वन थ्री डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में जो पहला एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे दैट इज ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर्स अब एसिटो एसिटिक एस्टर्स का पहले कीटो फॉर्म लिख लेते हैं ये वन थ्री डाई कार्बोनाइल कंपाउंडस हैं तो इसको मैं लिख लूँगी यहाँ पर सी एच थ्री सी डबल बोंड ओ सी एच टू एंड हेयर्स सी डबल बोंड ओ ओ सी टू एच फाइव दिस इज़ एन एस्टर ग्रुप और ये एक कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है अगर मैं इसका इनोल फॉर्म यहाँ पर लिखती हूँ तो इनोल फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा दिस इज सी एच थ्री सी हेयर ओ एच ग्रुप विल कम दैट इज़ द ओल ग्रुप एंड हेयर डबल बॉन्ड विद सी एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव सो दिस इज़ द इनोल फॉम अगर अब इसकी हम क्वान्टिटी देखें कि कितने अमाउंट में ये प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है तो यहाँ पर कीटो फॉम नाइनटी थ्री परसेंट में ऑप्टेन हो रहा है वेरज इनोल फॉर्म की भी यहाँ पर अमाउंट बढ़ गई दैट इज़ सेवन परसेंट तो यहाँ पर देखिए डायकारबोनाइल कंपाउंड में हमें इनोल फॉर्म थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑप्टेन होता है अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं वन थ्री डाइक आर्बोनाइल कंपाउंड दैट इज ऑफ एसिटाइल एसिटोन अब एसिटाइल एसिटोन भी एक डायकार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दिस इज सी एच थ्री सी डबल बोंड ओ सी एच टू सी डबल बोंड ओ एंड सी एच थ्री सो दिस इज एसिटाइल एसिटोन वन डाय कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है अब अगर इसका हम इनोल फॉर्म लिखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच ग्रुप एंड हेयर डबल बॉन्ड विल कम विध सी एच एंड स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम तो ये इनोल फॉर्म हो जाएगा अब देख लेते हैं कि कितने क्वानिटी में हमें कीटो फॉर्म ऑप्टेन होता है तो कीटो फॉर्म यहाँ पर ऑप्टेन हो रहा है 24% परसेंट एज इनोल फॉर्म यहाँ पर होगा 76% तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि जो 13 थ्री डाय कंपाउंड हैं उसमें इनोल फॉर्म प्रीडोमिनेट कर रहा है एस कंपेयर टू कीटो फॉर्म अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन या रीजन है वो ये है कि ये यह यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रही है अब कॉन्जुगेशन के वजह से यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन के वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है इनोल फॉर्म की एज कम्पेयर टू दी फॉर्म और दूसरा इसका जो रीज़न है कि यहाँ पर इनोल फॉर्म प्री करता है वो ये है कि यहाँ पर इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं बिटवीन द इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जो इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनाइल का का यहां पर इंट्रा इंट्रामोलिक्युलर यहां पर मैं शो कर रही हूं इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पर इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसके वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है इन केस ऑफ इनोल फॉर्म जिसके वजह से जो इनोल फॉर्म है उसकी क्वांटिटी एज अ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाती है सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स और डाई कंपाउंड्स में कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेट करता है और क्यों करता है सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो अबाउट टोटोमेरिज्म जो नेक्स्ट वीडियो होगी टोटोमेरिज्म की इन दैट आई बी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म दैट इज एसिड एंड बेस कैटलिसिस इन कीटो इनऑल टोटोमेरिज्म सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऑल्सो प्लीज़ डू हिट दी लाइक एंड शेयर बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब इट थैंक्स फॉर वॉचिंग